बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द एजुकेटर्स ऑनलाइन क्लासेस में प्यारे बच्चों खुश आमदीद। जमात हफ्तम, मज़मून उर्दू। आज का हमारा अनवान है वतन का सजीला जवान। तो मैं आपकी मौलमा रुबीना एहसान। प्यारे बच्चों, इस सबक की पढ़ाई हम जूम सेशन में करेंगे, तो अब मैं आपको इसके सवालात के जवाबात वो करवाने लगी हूँ। पहला सवाल है आपका, मेजर शब्बीर शहीद कब और कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब आ जाएगा, मेजर शब्बीर शहीद 28 अप्रैल 1943 में कुंजह में मेजर मोहम्मद शरीफ के यहाँ पैदा हुए। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर दो है, मेजर शब्बीर बचपन से फौज में जाने के आरजूमंद क्यों थे? यानी कि मेजर शब्बीर बचपन से फौज में जाने की ख्वाहिश क्यों रखते थे? तो इसका जवाब होगा, वो बचपन से ही अपने वालिद की तरह फौज में जाने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि वो नहायत बहादुर और जुरतमंद थे। उन्हें खतरों से खेलना पसंद था। वो मिजाज के लिहाज से मोहमजो और जंगजू थे। मोहमजो कहते हैं दुश्वार कामों को करने वाला, और जंगजू जंग लड़ने के लिए तैयार रहने वाला। जी बेटा, अब हम करेंगे सवाल नंबर तीन, मेजर शब्बीर की वालदा को उनकी शहादत के वक्त उनके बचपन के किस वाक्य की याद आई और क्यों? तो इसका जवाब है कि उन्हें याद आया कि बचपन में अक्सर शब्बीर खेल कूद को घर लौटता तो उसके कपड़े अक्सर मैले हो जाया करते। माँ इस्तफसार करती, इस्तफसार का मतलब हो जाएगा पूछती, सवाल करती, तो वो मुस्करा कर जवाब देते, कुछ नहीं बेबे। बेबे कहते हैं पंजाबी में माँ को, ठीक है? तो वो कुछ इस तरह जवाब देते, कुछ नहीं बेबे, बस जरा लड़ाई हो गई थी, माँ उनके मैले कपड़े बदलवा देती। मगर आज शब्बीर जिस लड़ाई में कमीज खून से तर करके लौटा था, वो कमीज भी नहीं बदली जा सकती थी, क्योंकि शहीद को उन्हीं कपड़ों में दफनाया करते हैं जिनमें वो शहीद हों। प्यारे बच्चों, हम अब करेंगे सवाल नंबर चार। सवाल नंबर चार है, मेजर शब्बीर की शहादत के वाकये को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, मेजर शब्बीर ने जब दुश्मन के हमलों का जोर देखा तो एक तोपची की जगह पर, तोपची कहते हैं तोप चलाने वाले को, तो एक तोपची की जगह खुद संभाल ली और दुश्मन पर कई हमले करके दुश्मन के कई टैंकों के परखचे उड़ा दिए। वो अपने फर्ज में इस दर्जे मुनहमिक थे कि एक दुश्मन का गोला सामने से आया और उनका सीना चीरते हुए निकल गया। मनहमिक खोए हुए डूबे हुए थे कि वो इस कदर तोप चलाने में बिजी थे, मसरूफ थे कि उन्हें दुश्मन के आने का पता ही नहीं चला और एक गोला जो है दुश्मन का सामने से आया और उनका सीना चीरते हुए निकल गया। ये था हमारा सवाल नंबर चार। सवाल नंबर पांच है, माँ को अपने शहीद बेटे के चेहरे पर कौन सी तहरीर लिखी दिखाई दी? तो इसका जवाब हम ये देंगे कि मेजर शब्बीर शहीद का खून आलूद जज्दे खाकी कहते हैं बेजान जिस्म को, जज्दे खाकी माँ के सामने था और माँ को यूं महसूस हो रहा था जैसे बेटे के खामोश चेहरे पर ये तहरीर लिखी हो, क्यों माँ अब तो खुश होना, अरे मुस्कुराओ तुम शहीद की माँ हो। प्यारे बच्चों, आज हमने पांच सवालात के जवाबात किए हैं अपने सबक वतन का सजीला जवान के। तो इन सवालात के जवाबात को आपने अपनी नोटबुक पर तहरीर करना है और अच्छी तरह याद करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।